उठो उठो उठो, शाबाश। तो स्पेशल बिरयानी स्पेशल मेहमानों के लिए यहाँ पे बनके तैयार है। चल आते दूसरा। आज ना कुछ लेट पहुँचे, दरवाजे के पास पहुँचे खिड़की वहीं पर। सहरी के लिए दस्तरखान हमने लगा दी। हाँ, ये चाहिए आपको। और यहाँ पर ये देखिए, मैं एग बना कर लेकर आई हूँ अभी सबके लिए। बस इसको भी खाना है। देखो रोटी इसने पीछे फेंक दी। हाँ नहीं, रोटी उठा लो, पीछे मेरे हाथ में ले दो। लेकर आ रही हूँ एग के अलावा यहाँ पर मैंने बटर और शक्कर बनाया। हाँ जी, ये भी चाहिए आपको। आ जाओ इधर, आ जाओ मतलब आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आके बैठो भैया के साथ आ जाओ। इसमें छोटा सा बाइट लेती है, उसको डिप करके फिर खाती। पता है ना, बड़ों को फॉलो करती है कि बड़े कैसे खा रहे हैं ना। तुम प्लेट दे दो मुझे। शहर में आज शामी कबाब भी बने हुए हैं, तमन्ना ने बनाई है अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी दुआ से अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबके साथ खैर का मामला अता फरमाए, आमीन या रब। तो इसी के साथ हमारे आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी चल रही है हमारी सहरी, बल्कि हो गई है। बस मैं अपनी चाय पीने लगी थी। और आज है माशाल्लाह से 25वां रोजा, यानी 25वें रोजे की अभी हम सहरी कर रहे हैं। बस थोड़ी देर तक हमारा जो रोजा है वो बंद होने वाला है। कुछ देर तक आजान हो जाएगी, देखते देखते पता ही नहीं चला रमजान का। बाकी देखें, पांच का भी कुछ कन्फर्म नहीं हो सकता। चार रोजे 29 होते हैं, 30 रोजे होते हैं। लास्ट ईयर तो 30 रोजे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस दफा पता नहीं 30 होते हैं या 29 होते हैं। खैर जो भी है, लेकिन बहुत जल्द रमजान ये गुजरा है, बहुत जल्द। ऐसा लगता है कि पता ही नहीं चला। तो चलिए अभी मैं अपनी चाय पी लूँ। पकड़ो, फजर की आजान हो गई है, मुस्तफा जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए। मलाको डर नहीं लगता आपको? बच्ची को बिल्कुल भी डर नहीं लगता? क्या कह रहे हैं, क्या कहता है कुकू? कितनी बार काटा है इस कुकू ने इसको, फिर भी इसको सुकून नहीं है। चलो कुकू के साथ प्यार करो। मलाकू वो कहता है कि मेरे साथ कोई प्यार नहीं करता। आ जाओ पकड़ो इसको, आ जाओ पकड़ लो। हाँ जी पकड़ लो, चलो पकड़ लो, पकड़ो खुशी चेक करो। आज मलाक ने ना हमारे घर का सत्यानाश कर दिया है। ये मेरे रूम का कारपेट है जो कि इसने पेंट गिराया है यहाँ पर, और ये हाल हो गया। और मोना बेचारी कब से लगी है मेरे साथ हेल्प करवा रही है सफाई करवाने में। और ये हमने जुगाड़ लगाया है। ये मोना कब से जुगाड़ लगा रही थी, इस तरीके से हम निकालते हैं पेंट नहीं निकल रहा। क्या कह रहे हो? अगर हम ये मसा करेंगे ना तो पैसे हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पता नहीं अब होता भी है कि नहीं होता। ये खड़ी है यहाँ पर, इसके पाँव देखें, ये सारा इसके ऊपर पेंट लगा। अभी मैंने इसके कपड़े उतारे हैं, और वहाँ पर भी सारा पेड़ था। वहाँ से तो खैर मैंने साफ करने की कोशिश की, लेकिन देखिए फिर भी धब्बे नहीं जा रहे। काफी सारा था यहाँ पर, देखें यहाँ पर इसमें गिरा है, और सारे यहाँ पर अभी हम लगे हुए थे साफ करने के लिए। छोड़ दो हानिया, यहाँ पे यानी तीन चार जगहों पे इसमें गिरा है। अफ्तार में मैं बनाने लगी हूँ आज बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए प्याज कट कर लिया मैंने दो दरमियानी साइज के, और यहाँ पर टमाटर कट हो गए, अदरक और लहसुन है हमारे पास। और यहाँ पर देखें जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी वो मैंने मंगवा ली। दही नहीं था हमारे पास, इसके अलावा लेमन नहीं थे और पुदीना नहीं था। ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो बस अब जल्दी से मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज ब्राउन कर लिए हैं, आलू रख दिए बॉयल होने के लिए, और मोना यहाँ पर मैक्रोनी बना रही है अफ्तार के लिए। बिरयानी मसाला बनकर हमारा तैयार हो गया है, और इसमें देखो मैंने आलू भी डाले हैं, क्योंकि आलू के बगैर मुझे बिरयानी अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो बस अभी मैं इसकी आग बंद करने लगी हूँ, और फिर अभी चावल बॉईल कर रही हूँ। बिरयानी को भी मैं दम देने लगी हूँ। बिरयानी मसाला वहाँ पर तैयार है, चावल मैंने बॉईल कर लिए थे, बिरयानी की प्रिपरेशन होती है वो सारी मैंने तैयार कर ली। तो बस अभी मैं इसे दम पे रखने लगी हूँ। बिरयानी की तह मैंने लगा ली है, कम्प्लीट हो गया। बस अभी मैं इसे दम पे रखने लगी हूँ, और मैंने आज सिर्फ 3 लेयर्स बनाई हैं इसकी। तकरीबन मेरी 4 लेयर होती हैं बिरयानी की, इसलिए मैंने टमाटर ऊपर ही ज़्यादा डाल दिए हैं। कलर देखें इसका कितना प्यारा आया माशाल्लाह। बिरयानी को मैं दम पे रख के आ गई हूँ बच्चों के कपड़े प्रेस करने के लिए। यहाँ पे मैं मुस्तफ़ा, हानिया और मलाक के लिए कपड़े निकाले। मलाक को आज मैं ये वाले कपड़े पहनाने लगी हूँ। एक बार इसने पहने, आज ये सेकंड टाइम ये पहन रही है। और ये देखें कल इसने ना मलाक ने यहाँ से कर्टन भी जोर से खींच के ना गिरा दिया। कर्टन का भी इसने काम तमाम कर दिया इस बच्चे ने। मलाक मलाक चलो उठ जाओ, फिर हम चले। उठो, चलना नहीं
मलाक उठ जाओ, हम जा रहे हैं, हरम जा रहे हैं, हम चलना है आपने कि नहीं चलना? उठो उठो उठो, शाबाश। माशाल्लाह मलाक उठ गई नींद से, फिर से सो गई हो? सारे बच्चों को मैंने अभी नींद से उठा दिया, सारे उठ गए हैं। अभी मैंने इन्हें कह के फ्रेश हो जाओ, नमाज पढ़ो और फिर हम चले मस्जिद नबी के। चलो उठ जाओ अभी, उठ जाओ शाबाश। इसको कौन उठाएगा? हमने इसको पोनिया बांधी, दोबारा से तो रोएगी। आ जाओ मलाको, आ जाओ। वो देखो चले गए आपके पापा के। पापा सो रहे हैं। लो उठा दिया मलाक ने पापा का। मलाक को अभी मैं तैयार करवाने वाली थी, लेकिन मैंने उसे छोड़ के मैं घर आ गई, क्योंकि चाय बन के ना तैयार हो गई थी मेरी। फिर मैंने कहा जल्दी से जाके पहले चाय फरमोश में डाल लेती हूँ, आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, फिर उसके बाद ना बिरयानी के डब्बे में पैक कर लेती हूँ, उसके बाद जाके लास्ट में मैं मलाक को तैयार करवाती हूँ। पहले मैंने पुदीना डाल दिया फरमोश में, पतीले में भी डाला था, जब ये चाय बनाती हूँ ना तो उसमें भी मैं डालती हूँ। मुझे काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स ये भी आते हैं कि आप प्लीज़ पुदीना चाय की जो रेसिपी है वो शेयर करें। मैं कई बार कर चुकी हूँ अपने व्लॉग में, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर इंशाल्लाह कर दूंगी आप सबके साथ शेयर। ये सऊदीया में बहुत शौक से पी जाती है, तो इसलिए मैं ये बनाकर जाती हूँ। पाकिस्तान से हो गए, इंडिया से हो गए, जैसे कि इजिप्ट से हो गए, जो भी होते हैं ना, तो सबको ही पसंद आते हैं यहाँ पे मस्जिद नबी में, तो सब ले लेते हैं। चलें जी ये हो गया। हाँ जी, अबू ने टेंट करवाया, मैंने मलाक को अबू दिखवाया, फिर मलाक रोने लगी। ले जाओ ले जाओ, मैं आ रही हूँ सुराही करवाती हूँ। ये कप्स निकाल लिया मैंने चाय के लिए, बिरयानी डाल के मैं फिर आ रही हूँ, फिर आपको मैं तैयार करवाती हूँ, ठीक है? चलें ये हो गया फाइनल, इसको एक साइड पे कर देते हैं। चलें हमारी स्पेशल बिरयानी हमारे स्पेशल मेहमानों के लिए उनके तैयार है यहाँ पर। स्पेशल मेहमान क्योंकि जाहिर है स्पेशल ही हैं जो मस्जिद नबी में होते हैं। लास्ट टाइम में मैंने क्या किया था कि मैंने ऐसे बड़े से इसमें थाल में डाल के मिक्स किया था, तो बड़ी ज़बरदस्त से मिक्स हुई थी, इसलिए मैंने दोबारा से वही ले लिया। मैं कहा इसी में मिक्स करती हूँ, क्योंकि ऐसे पतीले बड़े पतीले में मिक्स करते करते ना मेरे हाथ में भी हाथ भी दुखने लग जाता है। कुछ निकाल ली, बाकी थोड़ी सी ये देखें इसमें रह गई पतीले में, ये वाले भी मैं निकालने लगी। कलर इतने खूबसूरत आए हैं माशाल्लाह बिरयानी के। तो चलिए अभी से मिक्स करने का टाइम आ गया, जल्द से करते हैं मिक्स, और फिर मिक्स करने के बाद करनी है हमने इसकी पैकिंग। एक मैंने पैक कर लिया है यहाँ पर बिरयानी, इसमें डाल दी है, अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ। और मुझे लगता है कि इसके अलावा ना हमें एक और डब्बा भी ज़रूरत पड़ेगा, चावल ज़्यादा हैं और जो मैंने डब्बे उठाए हैं वो छोटे लग रहे हैं मुझे। चलो चलो मलाक जल्दी करो, अभी हम आ गए हैं, लेट भी हो गए हैं क्योंकि बिरयानी बनाते बनाते भी कुछ टाइम लग गया है। जल्दी जल्दी से बस सारे आ गए बाहर, और देखें आज मैंने कौन सा दुपट्टा पहना इस अबाये का, तो काफ़ी पुराना ये अबाया है, और इसके साथ का ये दुपट्टा बिल्कुल न्यू का न्यू था, वो आज मुझे मिला कबर से, बस मैंने इसे प्रेस करके मैंने पहन लिया। मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ, इससे भी रमदान है। लास्ट ईयर पता नहीं एक या दो बार मैंने पहना, उसके बाद फिर मैंने पहना नहीं, क्योंकि मुझे ब्लैक दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। आ गई है मलाक, आ जाओ चलें बैठो, आने जाओ इसे लेकर आ जाओ। इसे कुछ पता होता नहीं है, बस उठ के चल पड़ती है। मलाक गाइस आप सबको भी ऐसी चलाक बच्ची चाहिए तो लाइक करो, और इसे बैठना भी आ गया है, पीछे नहीं बैठना। बाय बाय मलाक, बाय बाय।
दरवाजे के पास पहुँचे, खिड़की वहीं पर आजान हो गई और बस खोल लिया रोज़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे ना दस्तरखान पे जैसे सब लोग बैठे हुए थे तो सब में हमने तकसीम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है ना बस दस्तरखान समेटने लगे हैं, नमाज भी हो गई है। यहाँ पर देखिए मौला ने बनाए थे आज घर पे स्वीट रोल और सब ने खा लिया, मैं अभी खाने लगी हूँ। आज ना मैं ना इस तरह से ना ये बास्केट बना के लेकर आई थी, मैंने कहा मलाक को देंगे और ये सबको देगी खजूर बांटेगी। जब जैसे ही मैंने इसको दिया ना ये पकड़ के बैठ गई खुद खाने के लिए। जितना मैंने इसे कहा मैंने कहा उठ के बांटो बांटो, नहीं पकड़ के नीचे बैठ जाती है। लेकर जा रही है मलाक को और मैं इसके पीछे पीछे जा रही हूँ। बस बना ले मलाक, इधर देखो भाई ने पिक्चर बनानी है मलाक की। क्या बोल रहे हो आप? माशाल्लाह से मस्जिद नबी की तो रौनक लगी रहेगी, लेकिन रमजान करीम की ये रौनक दोबारा से हमें नहीं मिलेंगी। ये देखें अभी हम सब जा रहे हैं और आज ना मुझे बच्चों के कुछ ज़रूरी काम है, बच्चों के कपड़े वगैरह लेने हैं, तो मैंने कहा आज ना मैं ये ले लूँ। अभी कहा तो अपने हस्बैंड को अगर उनका कोई काम ना हो तो इंशाल्लाह आज ही मेरे काम हो जाएंगे कम्प्लीट। हाँ जी मुझे साथ लेके चलेंगे? अपने साथ चलना है, चलें देखते हैं। अभी पूछती हूँ आपके पापा से कि ले चलते हैं सबको कि नहीं, अगर मैं जाऊँगी तो फिर आपको भी साथ लेकर जाऊँगी, क्योंकि हमेशा आपके साइज में मसला हो जाता है। अच्छा अभी भी ना काफ़ी सारे लोग ना थर्मोस लेकर यहाँ पर रास्ते में खड़े हुए हैं और जो भी लोग जा रहे हैं उनको ना कहवा बांट रहे हैं, और सच में जो कोई बांट रहा हो ना तो उसको देख के इतना अच्छा लगता है, इतना दिल को सुकून मिलता है ना। ये सोचें मन करता है बंदा खुद ही बांटे, यूँ सोचे जब हम किसी और को देखते हैं हमें इतना अच्छा लगता है, और जब हम खुद ये चीज़ बांटते हैं ना तो उसका तो सुकून अलग है, उसका तो अलग ही मज़ा है सच में। ये तो उसी को पता हो जाए जो चीज़ बांटता है तो फिर उसके दिल को कितना सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। शॉप के करीब छोड़ते हैं तो फौरन ये भाग के चली जाती है शॉप में। आ जाओ चले घर। अच्छा आ जाओ, क्या देखना है आपने बताओ? क्या देखना है, क्या चाहिए आपको? जाय नमाज लेनी है, कुरान पाक लेना है आपने? लेना ही आपसे कुरान पाक, क्या लेना है मेरे बच्चे ने? जाय नमाज लेनी है मेरी मलाकों ने। आ जाओ मला, मोना ने उठा लिए तो इसके पास अब चुप हो गई है, लेकिन फिर भी देख उसी साइड पे रही है, वहाँ पे लाइट्स हैं, वहाँ पे काफी चीजें हैं ना कलरफुल, वो लेनी है इसे। पता चला है हम उस साइड से आए, वहां से